प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी गुजरात में मिशन स्कूल्स ऑफ एक्सिलेंस रो कर शुभारंभ कर नवी शिक्षा नीति गुलामी की मानसिकता ने दूर करने वाली। भारतीय जनता पार्टी राज्य में बिगड़ती कानून व्यवस्था में उठाया गंभीर सवाल। पार्टी राष्ट्रीय प्रवक्ता कर्नल राज्यवर्धन सिंह राठौड़ कहो प्रदेश में महिला और अनुसूचित जाति वर्ग में बढ़ रहा है अत्याचार। जोधपुर में एसीबी कार्रवाई करता थका पटवारी ने 25 लाख रुपए की रिश्वत देता थका करो गिरफ्तार। जमीन की तरमीम करवा बारी एवज में मांगी गई रिश्वत की आराशि। प्रदेश में राज्य सरकार निर्देश में चलाया जा रही शुद्ध के लिए युद्ध अभियान। सैकड़ों क्विंटल मिलावटी माओ और दूजी खाद्य सामग्री करी जा रही है जब्त। केंद्र सरकार कानीसू बरस 2022-23 खातर रबीरी फसलों में एमएसपी बढ़ाया जावारो काश्तकार कर स्वागत। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को जताया आभार। नमस्कार, संजा 5 बजे राजस्थानी खबर में आए आप सब रो घणो घणो स्वागत। मैं हूं अशोक व्यास और अब खबर विगतवार। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी कहो कि नवी शिक्षा नीति गुलामी की मानसिकता ने दूर करने वाली है। प्रधानमंत्री आज 2 दिनारा गुजरात दौरा माथे अडालज में मिशन स्कूल्स ऑफ एक्सिलेंस रा शुभारंभ रा मौका माथे राखोड़ा एक जलसा ने संबोधित कर रहा था। वणा कहो कि अंग्रेजी भाषा की वजह से कई प्रतिभा में दबर रह गई है। वणा देश में 5G की शुरुआत ने टाबरा खातर फायदामंद बताया। इसके तहत गुजरात के 20,000 प्राथमिक और माध्यमिक स्कूलों को स्कूल्स ऑफ एक्सीलेंस में परिवर्तित किया जाएगा और इनमें नए क्लासरूम, डिजिटल स्मार्ट क्लासरूम, कंप्यूटर लैब्स और अटल टिंकरिंग लैब बनाए जाएंगे। इसके अलावा बच्चों के समग्र विकास के लिए राज्य के सभी 40,000 स्कूलों में फिजिकल और डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर को अपग्रेड किया जाएगा। इस महत्वाकांक्षी योजना के लिए वर्ल्ड बैंक ने 6,000 करोड़ रुपए और एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक ने 2,000 करोड़ रुपए की राशि दी है, जबकि गुजरात सरकार इस पर करीब 2,500 करोड़ रुपए खर्च करेगी। कार्यक्रम के दौरान प्रधानमंत्री मोदी ने लगभग 4,260 करोड़ रुपए की परियोजनाओं का शुभारंभ किया। इस मिशन से गुजरात में नई कक्षाओं, स्मार्ट क्लासरूम, कंप्यूटर लैब की स्थापना और राज्य में स्कूलों के बुनियादी ढांचे के समग्र उन्नयन के माध्यम से शिक्षा के बुनियादी ढांचे को मजबूत करने में मदद मिलेगी। आज 5G स्मार्ट सुविधाएं, स्मार्ट क्लासरूम, स्मार्ट टीचिंग से आगे बढ़कर हमारी शिक्षा व्यवस्था को नेक्स्ट लेवल पर ले जाएगा। अब वर्चुअल रियलिटी, इंटरनेट ऑफ थिंग्स, इसकी ताकत को भी हमारे छोटे छोटे बाल साथी, हमारे विद्यार्थी स्कूलों में बड़ी आसानी से अनुभव कर पाएंगे। मुझे खुशी है कि इसके लिए गुजरात के इस मिशन स्कूल ऑफ एक्सेलेंस के तौर पर पूरे देश में बहुत बड़ा और महत्वपूर्ण और सबसे पहला कदम उठा दिया है। भारतीय जनता पार्टी राज्य में बिगड़ती कानून व्यवस्था माथे गंभीर सवाल उठाया है। पार्टी का राष्ट्रीय प्रवक्ता और जयपुर ग्रामीण सांसद कर्नल राज्यवर्धन सिंह राठौड़ प्रदेश में महिला और अनुसूचित जाति वर्ग माथे बढ़ता अत्याचार मामला में मुख्यमंत्री अशोक गहलोतरी अनदेखीरा आरोप मांडया है। हमारे मुख्यमंत्री, राजस्थान के मुख्यमंत्री गुजरात में जाकर बोलते हैं कि राजस्थान मॉडल को फॉलो करिए। यह है राजस्थान का मॉडल, इसकी बात करने गए हैं। और राजस्थान की तो चिंता सारी छोड़कर कभी दिल्ली चले जाते हैं और कभी गुजरात चले जाते हैं। ये राजस्थान मॉडल सुनिए आप। हत्या के मामले 3% बढ़े, इसी वर्ष की बात कर रहा हूं मैं, ये आंकड़े बिल्कुल इसी ताजे, बिल्कुल। हत्या के मामले 3% बढ़े, हत्या के प्रयास के मामले 50% बढ़ गए, बलात्कार के मामले 38% बढ़े, दलितों पर अत्याचार के मामले 126% बढ़ गए, डकैती के मामले 200% बढ़ गए।
यह है राजस्थान का मॉडल जिसकी बात कर रहे हैं। गुजरात में जाकर मुख्यमंत्री साहब, राजस्थान की जनता की सेवा करना हमारा परम धर्म है, उनकी सुरक्षा करना हमारा परम धर्म है। एक साधारण व्यक्ति अपने परिवार की रक्षा नहीं कर सकता कि राजस्थान की जनता पिस रही है, लेकिन राजस्थान के अंदर जो अभी सरकार है उसको चूं भर भी कोई चिंता नहीं है जनता की। जोधपुर में एसीबी कार्रवाई करता था, पटवारी ने 25 लाख रुपया रिश्वत लेता था, गिरफ्तार करे हुए है। जमीन ने तरमीम करवा बार ये वजमाए पटवारी आ रिश्वत मांगी ही। एसीपी डॉक्टर दुर्ग सिंह राजपुरोहित बतायो कि परिवादी मनोज ग्वाला शिकायत दर्ज कराई ही कि वणा ने 2 बीघा 5 बिस्वा जमीन पूंजला खेतर माए है, जिरी तरमीम करवा बार ये वजमाए पटवारी वणासू 25,80,000 रुपया रिश्वत मांग रही हो। उसके एक जमीन है 2 बीघा 5 बिस्वा, वो बदाशे में आई हुई है और वो जमीन बीरबल राम जो है वो उसके डॉक्यूमेंट देने के लिए तरमीम करने के नाम पे एक प्लॉट की प्लॉट मांग रहा है। और ये भी बताया कि जब इसकी जमीन ली गई थी तो उसका म्यूटेशन बढ़ने के नाम पे उसने 50,000 रुपये केस उस समय लिए थे। और चूंकि एसीबी द्वारा वेरिफिकेशन कराया गया तो वेरिफिकेशन में स्पष्ट हुआ कि जो बीरबल राम पूंजला पटवारी है उसके द्वारा क्लियर डिमांड की गई कि आपकी 2 बिस्वा जमीन मेरे कहने से किसी मेरे आदमी के नाम रजिस्ट्री करवा दो या फिर इसके पैसे दे दो मुझे, तभी आपको कागज मिलेंगे और आगे रजिस्ट्री करवा पाओगे। इसका प्रेशर बनाने के बाद वेरिफिकेशन क्लियर हुआ। वेरिफिकेशन क्लियर होने के बाद में आज 25,21,000 रुपए लेते हुए पटवारी बीरबल राम को ट्रैप किया गया, जिसमें से 25 लाख जो है वो डमी करेंसी और 21,000 रुपए इंडियन करेंसी। पटवारी, मेरे को सिर्फ सरकारी दस्तावेज चाहिए थे, गिरदावरी, म्यूटेशन और जमा मंदी, उस एवेज में मेरे को ये पैसे मांग रहे थे। प्रदेश में राज्य सरकार रा निर्देश माथे चलाया जा रहा शुद्ध के लिए युद्ध अभियान माए सैकड़ों क्विंटल मिलावटी माओ और दूजी खाद्य सामग्री जब्त कर नष्ट करी जा रही है। इनके तहत भीलवाड़ा माए धौलपुर और अलवर से लाए गयो 1,000 किलोग्राम मिलावटी माओ पकड़े हुए। प्रशासन और चिकित्सा महकमा की टीम ई मावा ने एक प्राइवेट बस से जब्त करो है। शुद्ध के लिए युद्ध अभियान चलाया हुआ है और त्योहारी सीजन को देखते हम सब ये भी महसूस करते हैं कि इस समय विशेष रूप से मिलावट का काम किया जाता है। दूध हो, मावा हो, पनीर हो, घी, तेल, मसाले हो, तो उस पर हमारे जिला प्रशासन द्वारा और स्वास्थ्य विभाग द्वारा लगातार यहाँ निगरानी रखी जा रही है। और इसी के तहत आज एक निजी बस से 27 कट्टे मावा के पकड़े गए हैं जो प्रथम दृष्टया खराब की श्रेणी में पाया जा रहा है। सैंपलिंग की कार्रवाई कर रहे हैं हम लोग और अभी तक उसका कोई मालिक हमारे सामने नहीं आया है। मैं कुछ दिनों से थोड़ा ऐसा चल रहा था कि जो ट्रैवल्स वाली जो गाड़ियां हैं उनमें बाहर से बड़े स्केल पे मावा आ रहा है और अभी हमने परसों भी इस पे कार्रवाई करी थी, आज एक बड़ी कार्रवाई हुई है। गुलाबपुरा से हमने गाड़ियों को ट्रैक किया है और भीलवाड़ा तक हम लोग पहुँचे तो 1,000 किलो मावा जो है उसमें मिला है और वो धौलपुर अलवर साइड की तरफ से आया हुआ है। केंद्र सरकार का निशू बरस 2022-23 खातर रबी रही फसल माते MSP बढ़ाया जाबारो कास्तकार स्वागत करो है। जयपुर ग्रामीण माए कास्तकार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रो धन्यवाद ज्ञापित करता तका कहो कि ईसू कास्तकारा ने आर्थिक संबल मिले लो। रेट अच्छी मिलेगी तो किसानों को फायदा होगा, किसानों को मतलब लाभ मिलेगा। इससे गांव में भी बढ़ाए हैं बाजरे, इसमें गांव में भी बढ़ाए हैं, चने में भी बढ़ाए हैं, सरसों में बढ़ाए हैं, जौ में बढ़ाए हैं, तो इससे किसानों को बहुत ज़्यादा फायदा मिलेगा। प्रधानमंत्री जी ने जो ये फसल का वो बढ़ाया है हाँ, तो इससे किसानों को बहुत बढ़िया लाभ होएगा और आगे यह मान लो कि किसान संपन्न होएंगे हैं और हमारा रोज़गार भी बढ़ेगा हैं और हम ज़्यादा से ज़्यादा फसल करने की कोशिश करेंगे। रबी फसलों के समर्थन मूल्य में भाव बढ़ाए हैं, इससे किसानों को बहुत इजाफा होएगा क्योंकि अगर गवर्नमेंट अगर रेट बढ़ाती है तो बाज़ार में भी उसका समर्थन मूल्य के हिसाब से भाव बढ़ेगा। इसलिए प्रधानमंत्री जी को मैं धन्यवाद देना चाहता हूं और आगे भी उम्मीद है कि वो किसानों की तरफ ऐसे ध्यान देती रहे। मैं मोदी जी को मैं धन्यवाद देता हूं। जो गेहूँ, सरसों और चना में हमारी फसल में वृद्धि की है तो उसको हमारे किसानों को लाभ मिलेगा। प्रधानमंत्री जी ने दीपावली के अवसर पर 2 तोहफे दिए हैं किसानों को। एक तो सम्मान निधि योजना के 2,000 रुपये डाल करके, जिससे किसानों को इस समय उराई बुआई में काम देगा वो पैसा खाद बीज के लिए।
और दूसरा जो आगे फसल होने वाली है रबी की फसल, उसमें समर्थन मूल्य बढ़ा करके किसानों का बहुत उत्साहवर्धन किया है। इससे प्रधानमंत्री जी का बहुत बहुत धन्यवाद। विश्व हिंदू परिषद कहो के अनुसूचित समाज से मतांतरित लोगों ने आरक्षण रूप फायदो दिराबारी मांग संविधान और राष्ट्र विरोधी है। परिषद रा राष्ट्रीय प्रवक्ता विजय शंकर तिवारी दूरदर्शन से खास बातचीत में कहो के पूना पैक्ट में भी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर और महात्मा गांधी ई मांग ने अनुचित ठहराए हो। हाल ही में केंद्र सरकार ने अनुसूचित जाति जनजाति से कन्वर्टेड हुए क्रिप्टो क्रिश्चियंस के लिए आरक्षण के मामले पर एक आयोग का गठन किया है, जिसमें आयोग ये तय करेगा कि ये जांच करेगा कि क्या उनको आरक्षण दिया जा सकता है। इसी मुद्दे को लेकर विश्व हिंदू परिषद लगातार विरोध कर रहा है कि अनुसूचित जाति और जनजाति के जो आरक्षण है उसमें किसी भी तरह की कटौती नहीं की जा सकती। हमारे साथ मौजूद हैं विश्व हिंदू परिषद के राष्ट्रीय प्रवक्ता विजय शंकर तिवारी जी। हम उनसे जानेंगे कि क्या विश्व हिंदू परिषद की इस पर राय, सर क्यों आप लोग इस चीज़ को लेकर विरोध कर रहे हैं? देखो, सबसे बड़ी बात और पहली बात तो मैं ये कहूँगा कि ये भारत के संविधान की भावना के अनुकूल नहीं है। ये जो यहाँ की अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति को लोभ लालच भय जिस भी किसी प्रकार से उनको धर्मांतरित किया जाता है और बाद में भी वो इसी समाज के लाभ लेते रहते हैं, इनके आरक्षण का लाभ लेते रहते हैं। ईसाई समुदाय ने तो 2011 में आज से 11 साल पहले लगभग जो जनसंख्या का आया था अपने पास आंकड़े आए थे, उसमें आप उनके वॉल पे देख सकते हैं, उनके साइट की वॉल पे देख सकते हैं, उनके साहित्य पे देख सकते हैं, उन्हें स्वीकार किया था, उस समय स्वीकार किया था कि 4% इस प्रकार के लोग हैं जो धर्मांतरित तो हो गए हैं लेकिन ये लाभ उनको मिल रहा है। तो आप इससे समझ सकते हैं कि वो अल्पसंख्यकों का भी लाभ ले रहे हैं और अनुसूचित जनजातियों के हिस्से को भी ले रहे हैं। उद्देश्य तो यही था कि जो लोग पिछड़ गए हैं, बिछड़ गए हैं, बहुत पीछे रह गए, हमारा समाज आर्थिक दृष्टि से बहुत विपन्न है और सामाजिक दृष्टि से भी विपन्न है, उसको कि भी किसी प्रकार से देश की इस प्रगति की धारा में, विकास की धारा में साथ जोड़ना है, और अगर साथ जोड़ना है तो उनका आर्थिक संबल बढ़ाना पड़ेगा, और ये आरक्षण का हेतु भी यही है। तो अब उसकी उसमें भी कटौती हो रही है, तो इसलिए हमने विश्व हिंदू परिषद ने प्रारंभ से इसका विरोध किया है। आम समाज को पता हो कि किस प्रकार से हमारे अनुसूचित जाति जनजातियों के लोगों के हितों को छला जा रहा है। और ये मैं वैसे ही नहीं कह रहा हूँ, पुणे पैक्ट आपने सुना होगा, वहाँ पर अंबेडकर जी ने और डॉक्टर अंबेडकर ने भी उस समय कहा था, 1932 में कहा था कि इस प्रकार का लाभ उनको नहीं लेने देंगे हम। संविधान सभा में भी बात उठी थी, तब भी गांधी जी और अंबेडकर जी ने 1933 की बात है, उन्होंने कहा था कि अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजातियों का जो आरक्षण का लाभ है वो कन्वर्टेड लोगों को नहीं मिलना चाहिए, अगर मिलता है तो ये देश विरोधी है। संविधान इस मामले में क्या कहता है? नहीं, जब ये बात आई, संविधान सभा की बात आई, तो वहाँ भी ये संविधान की मूल भावना के खिलाफ है। जब मैंने ये शब्द कहा तो संविधान इसके पक्ष में तो बिल्कुल नहीं है, क्योंकि अगर संविधान कहता तो वो कहता कि जो धर्मांतरित हो जाएंगे उनको भी इसका लाभ मिलेगा, लेकिन संविधान में ये कहीं भी नहीं है, मूल भावना के खिलाफ है संविधान के ये। सर, सरकार को ये आयोग बनाने की क्यों आवश्यकता पड़ी, जबकि आप लोग कई वर्षों से इस तरह के आंदोलन चल रहे हैं, तो अभी अचानक से बालकृष्ण की अध्यक्षता में आयोग बनाया, तो ऐसा क्यों आवश्यकता पड़ी इसकी? स्वाभाविक है, जो सजग सरकार होगी देश और जमीन के साथ, इस देश के हित के साथ, भारत के साथ, कि ये समाज समृद्ध हो, आगे बढ़े दुनिया में, चूंकि हम सरपट दौड़ रहे हैं, तो सारा समाज जब सरपट दौड़ेगा तब देश दौड़ेगा, तो ये वही भावना है और ये केंद्र सरकार ये काम कर रही है। अभी दिल्ली में एक बड़ा घटनाक्रम हुआ जिसमें बड़ी संख्या में जो अनुसूचित जाति जनजाति के लोग हैं उन्होंने बौद्ध धर्म अपनाया, उस पर अब विश्व हिंदू परिषद की क्या प्रतिक्रिया है? देखो, उसमें जो मंच पे लोग थे जिन्होंने नारे लगाए, हमारी चिंता भी वही है कि आपकी पूजा पद्धति बदल जाती है, आप पूजा पद्धति बदलने की बात करते हैं, आप एक तरीके से आप बौद्ध बन रहे हैं, इसका कोई किसी को दिक्कत नहीं है, चूंकि बौद्ध बनने के बाद हिंदू धर्म से विलग हो जाते हैं ऐसा हमने नहीं देखा है,
जो मूल बौद्ध लोग हैं देश में आज भी हैं, कुछ लोग यहाँ तक कि दूसरे देशों के आए बसे हुए धर्मशाला में लोग हैं, वो पूरे हिंदू जनमानस को समझते हैं और वो कहीं भी हिंदू हिंदू विचार से असहमत नहीं दिखाई पड़ते, बड़ा सम्मान करते हैं। ये जो लोग हैं ये कौन लोग हैं, यही तो एक सोचने का विषय है कि जो बनने के बाद और विरोध करना प्रारंभ कर देते हैं, ये देश के लिए वास्तव में बहुत घातक है और इस पर एक बड़ा विमर्श होना चाहिए, लोगों का जनजागरण होना चाहिए ताकि ऐसी गतिविधियों से वो सचेत हो सकें। सर एक आखिरी सवाल, राजस्थान में सर ऐसे बहुत सारे समुदाय हैं जैसे कायम खानी है या मेव हैं जो जिनके पूर्वज कहीं ना कहीं पूर्वज हिंदू रहे, उनके बीच में उनकी बहुत सारी परंपराएं अभी आज भी हिंदुओं की तरह हैं, क्या उनके बीच में हिंदू परिषद काम करने की इच्छा रखता है या कोई काम कर रहे हैं? नहीं, इच्छा नहीं रहता, हम कर रहे हैं। हम इस प्रकार के बहुत सारे लोग हैं गाजियाबाद के आसपास, बहुत चौहान लिखते हैं और इस प्रकार का अपना पूरा मूल गोत्र के साथ अपना नाम लिखते हैं, स्वीकार भी करते हैं कि मेरे पूर्वज चार पीढ़ी पहले मैं मुसलमान बना हूँ, तीन पीढ़ी पहले बना हूँ और आज भी उनके कर्मकांड भी उसी प्रकार का रखते हैं, नाम उनका वही है लेकिन अपने हिंदू सोच के साथ मिलकर चलते हैं, कहीं कोई वैमनस्य नहीं करते हैं। तो देश भर में इस प्रकार के लोग मिल जाएंगे जो साथ में चलने के लिए तैयार हैं। अभी कुछ बातें जो बाद में कही गई हैं कि उनके पूर्वज डीएनए और पूर्वजों की बात चर्चा चली है, तो ऐसे लोगों के लिए चली जो आज भी देश के साथ खड़े हैं, आज भी समाज के साथ खड़े हैं, आज भी हिंदुत्व की बात करते हैं, हिंदुत्व से उनको कोई गर्व नहीं है, उनको मंत्र पढ़ने में कोई दिक्कत नहीं है, उनको मंदिर जाने में कोई दिक्कत नहीं है, ऐसे लोग तो साथ में थे और साथ हैं। हैं विजय शंकर तिवारी जी, विश्व हिंदू परिषद के राष्ट्रीय प्रवक्ता, जो बता रहे थे कि अनुसूचित जाति और जनजाति से जो कन्वर्टेड हुए हैं उन लोगों को आरक्षण नहीं दिया जाना चाहिए और ये देश के हित में नहीं होगा। मुरारी गुप्ता, दूरदर्शन समाचार, जयपुर। केंद्र सरकार राष्ट्र सांख्यिकी कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय रा तत्वावधान में जयपुर में राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय का निशुल्क स्वच्छता अभियान कार्यक्रम चलायो जा रही है। कार्यालय रा उप महानिदेशक ज्योति प्रसाद आर्य बतायो कि स्वच्छता अभियान रे तहत ठोर ठोर माते सफाई अभियान रखा जा रहा है। इन कड़ी में मानसरोवर राजकीय उच्च माध्यमिक स्कूल परिसर में भी सफाई अभियान चलायो गयो। इन मौका माते महकमा रा अहलकार और कर्मचारी भी श्रमदान करयो। भारत सरकार राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय क्षेत्रीय संकाय प्रभाग क्षेत्रीय कार्यालय जयपुर के द्वारा 2 अक्टूबर से 31 अक्टूबर तक भारत सरकार की ओर से स्वच्छता अभियान चलाया जा रहा है। इसके तहत हमारा कार्यालय राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय जयपुर के द्वारा लोगों को स्वच्छता के प्रति जागरूक करने का प्रयास किया, भरपूर प्रयास किया जा रहा है। हम लोगों का प्लान 3 मार्केट क्षेत्र में गली और मोहल्लों के विभाग में स्वच्छता था, जिसमें विभाग के कर्मचारी और अधिकारियों ने भरपूर भाग लिया और 3 मार्केट से हमने रैली भी निकाली और लोगों को स्वच्छता के अभियान के बारे में जानकारी भी दी। ये कार्यक्रम 2 अक्टूबर से शुरुआत की थी हम लोगों ने और 31 अक्टूबर 2022 तक हम लोग इस अभियान को चलाएंगे। दौसा में शिक्षा महकमू बड़ी पहल करता थका लंपी संक्रमण की रोकथाम खातर जिला प्रशासन ने 9,25,000 रुपया की सहयोग राशि रो चेक भेंट करो। दौसा कलेक्टर कंवर चौधरी न्यारा न्यारा सामाजिक संस्थावां और आम लोगों से लंपी संक्रमण ने देखता थका सहयोग की अर्ज करी ही। जिला कलेक्टर कहो कि शिक्षा महकमा कानीसू करेगी आ पहल घनी महत्वजोग है। बड़ी महामारी के बीच में जो पशुओं को लेके अभी चल रहा है उसमें सभी ऑर्गेनाइजेशंस आ गए हैं। दौसा के बीच में युवाओं ने सभी सब डिविजन्स में बांदीकुई, लालसोट, दौसा, महुआ, हर जगह युवाओं ने बहुत बड़ा सहयोग दिया है और इस सहयोग के बीच में बेस्ट पार्ट ये है कि लोग अपने स्तर के ऊपर रिसोर्सेज जोड़ रहे हैं। इसी के चलते शिक्षा विभाग ने एक बड़ी पहल करके सभी अपने शिक्षकों से स्वेच्छता पे ये किया है कि उन्होंने पैसे इकट्ठे कराए हैं जो लंपी वायरस के लिए काम आ सकता है। आज हमने जिला कलेक्टर महोदय को यहाँ लंपी वायरस में जो रोग ग्रसित गायें हैं या जो इनसे बचाव के लिए पूरे ज़िले में शिक्षा विभाग से प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से हमारे जुड़े हुए जो कार्मिक हैं, चाहे वो निजी विद्यालय के भी इसमें हैं कुछ, सब ने मिलकर 9,25,000 का जो चेक है वो हमने जिला कलेक्टर महोदय को दिया है। शिक्षा विभाग शिक्षा का दान करता है तो एक बहुत सी छोटी सी हमने सप्रेम भेंट या प्रशासन को दी है ताकि इसका अधिक से अधिक उपयोग इन गायों के लिए दवाओं में या अन्य व्यवस्थाओं में हो सके। राजधानी जयपुर लोगों ने सिटी पार्क का रूप में आए अब नई सौगात मिल रही है। शहर रा मानसरोवर माए विकसित सिटी पार्क रोकाला मुख्यमंत्री अशोक गहलोत
लोकार्पण करेला। करीब 52 एकड़ जमीन माथे बनाया गया इन पार्क रा बनबासू मानसरोवर इर आरएसआरएरी कॉलोनिया माया बचा लोगों ने साफ हवा मिल सकेली। ये पार्क लगभग 52 एकड़ में फैला हुआ है और इस पार्क का काम हम दो चरणों में पूरा करने वाले हैं। पहले चरण का काम लगभग पूरा हो गया है। पहले चरण में हमने इसमें करीब 3.5 किलोमीटर लंबा जॉगिंग और वॉकिंग ट्रैक बनाया है जो कि 20 फुट चौड़ा है। इसके अलावा यहाँ पे एक भव्य एंट्री प्लाजा बनाया गया जो कि मध्यम मार्ग पे है। पीछे एक 213 फीट ऊंचा राष्ट्रध्वज लगाया गया है। उस राष्ट्रध्वज के आसपास करीब 2000 वर्ग मीटर क्षेत्र में एक लेक बनाई गई है और उसमें जब फव्वारे चलते हैं तो बहुत ही मनोरम दृश्य वहाँ उत्पन्न होता है। इसके अलावा पूरे पार्क में करीब 25,000 बड़े पेड़ और 40,000 श्रब्स जिसको फूलदार झाड़ियाँ कहते हैं वो लगाई गई हैं। इसके अलावा एक बड़े क्षेत्र में जापानी मियावाकी पद्धति से बहुत ही सघन वृक्षारोपण करके एक तरह से एक मिनी जंगल तैयार किया गया है। इसके अलावा 17 स्थानों पर बहुत ही कलात्मक सुरुचिपूर्ण स्कल्पचर्स लगाए गए हैं। उसके लिए हमने बहुत ही जो प्रसिद्ध स्कल्पचरिस्ट हैं उनकी सेवाएं ली हैं। अभी इसके द्वितीय चरण का काम जो चल रहा है उसमें एक भव्य फाउंटेन स्क्वायर बनना है, इसके तीन तरफ के और भव्य एंट्री प्लाजा बनने हैं और कुछ छोटे मोटे काम और हैं। जैसे ही सब पूर्ण होते हैं तो मुझे पूरी आशा है कि देशी ही नहीं बल्कि विदेशी पर्यटक भी इसके आने के लिए ललायत रहेंगे। जयपुर रेंज आईजी उमेश चंद्र दत्ता आज दौसा में सालाना जांच करी। इन मौका माथे वणा उपद्रव और नाकाबंदी ने लेर करेगी कार्रवाई रो अभ्यास देखा। इन पचे खबर ना विशासु बातचीत में वणा कहो कि दिवाली रो त्यौहार प्रेम और भाईचारा रे साथ सुरक्षित रहर मनावे। देखिए अभी तो मैंने शुरुआती दौर में परेड का निरीक्षण किया है और पुलिस लाइन के कुछ हिस्से को देखा है। आज रिमेनिंग पार्ट ऑफ द डे जो है उसके अंदर पुलिस लाइन के बाकी हिस्सों का निरीक्षण और साथ में बाद में अधिकारियों के साथ डिटेल्ड विस्तृत क्राइम मीटिंग की जाएगी जहां जिले के क्राइम के संबंधी डिटेक्शन का और जो उभरते हुए परिदृश्य हैं इसमें उनका जायजा लिया जाएगा और ये सालाना इंस्पेक्शन के अंतर्गत ये सारी कार्रवाई की जा रही है। राजस्थान विद्युत तकनीकी कर्मचारी एसोसिएशन कानेसू न्यारी न्यारी मांगा ने लेर जयपुर विद्युत भवन माते प्रदर्शन करो गयो। एसोसिएशन रा प्रदेश अध्यक्ष पृथ्वीराज गुजर बतायो कि कर्मचारियों की 10 सूत्री मांगा ने लेर प्रदर्शन करो जा रही है जिनमें कर्मचारियों की पुरानी पेंशन योजना लागू करवा इंटर डिस्काम ट्रांसफर नीति बनावा समेत कई मांगा भेड़ी है। प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री माननीय अशोक जी गहलोत साहब ने अपनी बजट घोषणा में राजस्थान के सभी सरकारी कर्मचारियों को ओल्ड पेंशन योजना का तोहफा दिया मगर आज दिनांक तक बिजली कर्मचारियों के ऊपर बिजली कर्मचारियों को ओल्ड पेंशन नहीं दी गई है, इससे आक्रोशित है सभी कर्मचारी। इसके अलावा 22 सालों से कर्मचारी एक निगम से दूसरे निगम में स्थानांतरण नीति को लेकर के भी परेशान है। इसके अलावा हार्ड ड्यूटी अलाउंस, बिजली फ्री, ये लगभग 10 सूत्री मांगों को लेकर के आज समस्त पांचों बिजली कंपनियों के तकनीकी कर्मचारी आज यहां पे एकत्रित हुए हैं। यदि सरकार समय रहते हमारी मांगों को नहीं मानती है तो हमें मजबूरन इससे भी अधिक उग्र आंदोलन करना पड़ेगा। जयपुर में रखा जा रही 25वां लोक रंग महोत्सव के तहत जवाहर कला केंद्र शिल्प ग्राम में भारत रा न्यारा न्यारा प्रदेशों से आया हस्तशिल्पी आपरा उत्पादों की दुकान लगाई है जिनमें साज सज्जा हैंडीक्राफ्ट समेत हैंडलूम कपड़ा की बिक्री करी जा रही है। दुकानदारों का कहना है कि कोरोना काल रपचे इन तरह का आयोजन होबा सुमाने आर्थिक संबल मिल रही है। जोधपुर में राजस्थान सीनियर राज्य वुसु चैंपियनशिप रो समापन हुयो। समापन जलसा में खेल मंत्री अशोक चांदना विजेता खिलाड़ियों ने पुरस्कार दिना। इन मौके खेल मंत्री कहो कि राज्य सरकार का निशुं खेलाने आगे बढ़ावा खातर कराया जा रहा प्रयासों रो परिणाम आवन वाला टीम में देखवाने मिलेलो।
ये तो मैं समझता हूँ कि शानदार आयोजन आज यहाँ पर है। इससे पहले केवल इंडिया की जर्सी और मेडल लाने वाला ही केवल 2% में क्वालिफाई होता था। अब राजस्थान की जर्सी पहनने वाला भी खिलाड़ी सीनियर कैटेगरी का वो 2% में अब जो क्वालिफाई होने लगे हैं। आउट ऑफ टर्न में 225 से ऊपर नौकरियां लग चुकी हैं 5-7 साल में इन कामों की वजह से, कि बाकी प्रदेशों की टीमों को पसीना छूट जाएगा जब अगले दिन उनका राजस्थान से मैच होगा और वो आधे तो टेंशन से उनका कंपटीशन खत्म हो जाएगा कि राजस्थान से हमें जीतना कैसे। पापा और मेरे पूरी फैमिली को बहुत ज्यादा श्रेय देना चाहती हूँ। पिछले 4 साल से बॉक्सिंग और वुशु खेल में हूँ और आज मेरी जीत मेरे लिए बहुत ज्यादा प्राउड थी। अभी नेशनल मेरे 28 से 3 नवम्बर को श्रीनगर में आयोजित होंगे। वहाँ मैं अच्छे से अच्छा परफॉर्मेंस दूंगी और मेरे कोच का नाम रोशन करूंगी और मेरे देश का नाम रोशन करूंगी। और आखिर में खास खास खबर एक और फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गुजरात में मिशन स्कूल्स ऑफ एक्सीलेंस शुरू कर शुभारंभ कर नवी शिक्षा नीति गुलामी की मानसिकता ने दूर करने वाली। भारतीय जनता पार्टी राज्य में बिगड़ती कानून व्यवस्था माथे उठाया गंभीर सवाल। पार्टी का राष्ट्रीय प्रवक्ता कर्नल राज्यवर्धन सिंह राठौड़ कहो प्रदेश में महिला और अनुसूचित जाति वर्ग माथे बढ़ गया है अत्याचार। जोधपुर में ईसीबी कार्रवाई करता तका पटवारी ने 25 लाख रुपया की रिश्वत देता तका करो गिरफ्तार। जमीन की तरमीम करवा वाली एवज में मांगी की गया रिश्वत। देश में राज्य सरकार निर्देश माथे चलायो जा रही है शुद्ध के लिए युद्ध अभियान। सैकड़ों क्विंटल मिलावटी माओ और दूजी खाद्य सामग्री करी जा रही है जब्त। और केंद्र सरकार का निशुल्क वर्ष 2022-23 खातर रबी री फसला माथे MSP बढ़ाया जावारो काश्तकार करे स्वागत। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रो जतायो आभार। इन्हें साथ ही सिंजा 5 बजे राजस्थानी खबर ठीक पूरी हुई। साथ देखता रहो डीडी राजस्थान। नमस्कार।